We're live now. Assalamu alaikum. My name is Andeel Ali. I'm leading the training and development department and M&E department at NIC Karachi. So, today we're doing a session here. And with us, Farooq Rashid Saab is our partner. He's partner and co-founder at RA Chartered Accountants. And he has 10 years of experience in this sector. So, Farooq Rashid Saab is a chartered accountant. और जो हमारे पास एक रिकरिंग एक डिमांड होती है स्टार्टअप्स की तरफ से कि जी हमें जो है टैक्सेशन रिलेटेड जो चैलेंजेस आ रहे हैं, टैक्स रिजीम्स क्या हैं, इसमें प्रोविंशियल फेडरल अलग अलग होते हैं, तो कहाँ काम करना है, कैसे करना है, कुछ जो है मिथ्स भी हैं कि अगर हम रजिस्टर्ड होंगे तो हमारे क्या चैलेंजेस क्या होंगे, कुछ को लगता है कि जी बहुत प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, क्या होता है. सो वो तमाम उन इशूज को रिजोल्व करने के लिए आज हमारे पास सेशन हम करवा रहे हैं. इसमें बिजनेस रजिस्ट्रेशन और इसके अलावा जो इनकम टैक्स के जो मॉडल्स हैं करेंगे. सो फॉर यू एंड वेलकम टू दिस सेशन. और आपके साथ हमारे चूंकि हम फेसबुक पे लाइव हैं तो हमारे पास जो भी लाइव कमेंट्स आ रहे हैं हमारे अपने स्टार्टअप से या स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो भी लोग इनसे कोई सवाल करना चाहते हो आप हमारी फेसबुक की जो ये यूएस पे कमेंट कर सकते हैं और वो जो है फिर हम आपके यहाँ क्वेश्चन के साथ एड्रेस भी करेंगे ताकि आपको जो है मजीद क्लैरिटी मिल जाए इसमें. सो अस्सलाम वालेकुम जी. Thank you so much for your very kind introduction. This is Farooq Rashid here, partner taxation with RA & Co Chartered Accountants. Aaj ka hamara ye jo session hai, this relates to business registration models and its tax implications for startups. Ab startups jo hai wo unfortunately so Pakistan mein jo startups ka ecosystem hai wo us tarike se develop nahi ho paya ya itna purana hamare paas ecosystem nahi hai jitna hum we can easily find it in other jo comparatively developed economies hain unke andar. और ये बात भी हाजिर नाजिर बगैर विदाउट एनी डाउट इट गोज विदाउट सेइंग कि भाई आजकल के ज़माने में अगर आपने बड़ी रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करनी है और पाकिस्तान को विच इज़ अबाउट पिछले साल दिस वाज अबाउट 330 बिलियन डॉलर्स इकॉनमी और ये पीकेआर डेप्रिसिएशन की वजह से अभी और श्रिंक हो गई. इनफैक्ट देखा जाए तो अगर आपने इसे बड़ा क्विकली जो है एक ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी की तरफ लेके जाना है तो आपने इस स्टार्टअप्स की इकोसिस्टम को ही डेवलप करना है, इसमें कोई शक नहीं है. और आज का ये जो सेशन है ये हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है. माय हार्टीएस्ट ग्रैटिट्यूड टू एनआईसी जिन्होंने ये सेशन आज का अरेंज किया है जिसमें हमारी पूरी कोशिश है कि स्टार्टअप्स जो भी हैं अब ये फॉर्मल सेक्टर के अंदर भी हो सकते हैं एंड दीज माइट ऑल्सो बी पीपल हु आर ओनली जस्ट स्टार्टिंग आउट इन द इनफॉर्मल सेक्टर उसके अंदर भी तो इफेक्टिवली समझें. आज का हमारा ये जो सेशन है ये तमाम उन लोगों के लिए है जो कि अभी अपने बिजनेस के हवाले से सोच ही रहे हैं. सो ये आप अपने ड्राइंग रूम में बैठे हैं, आप अपने अपार्टमेंट्स की जो बिल्डिंग है वहाँ पे आप छत पे चार दोस्त बैठे हुए हैं, आप सोच ही रहे हैं कि अच्छा हम कौन सा काम शुरू करें, किस तरीके से शुरू करें, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए. तो ये आज का जो सेशन है आपके उन तमाम सवालात का जवाब भी होगा और इंशाल्लाह और जो आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे जो इस सेशन के अंदर हम नहीं आंसर दे पाए वो भी आप काइंडली डू राइट टू अस इन योर कॉमेंट्स. तो विल ट्राई के इसी सेशन के एंड में हम आपके तमाम क्वेश्चंस को आंसर करें इंशाल्लाह. तो इसी प्रीएम्बल के साथ हम आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले मैं ये जरा कवर करना चाहूंगा कि आज के हमारे माइलस्टोन्स हैं क्या ताकि आए जरा हम इनका क्विकली जायजा ले लेते हैं. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो भी आप बिजनेस शुरू करते हैं अब वो एक छोटी कंपनी एक छोटा बिजनेस हो सकता है, आप ये जो है वो स्मॉल एंड मीडियम साइज की एंटरप्राइज हो सकती है या आप कहते हैं कि नहीं भाई मेरे पास तो 10-15 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं मैं उससे छोटा काम करूंगा ही नहीं, तो उनके लिए भी ये तमाम पॉसिबल बिजनेसेस जो हैं वो कौन से बिजनेस रजिस्ट्रेशन मॉडल को ऑप्ट करें, उस रजिस्ट्रेशन मॉडल के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, प्रोज एंड कॉन्स वगैरह क्या हैं, ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं सबसे पहले तो हम इनका ज़रा तफसीली जायजा लेंगे कि ये वेरियस बिजनेस रजिस्ट्रेशन मॉडल्स आखिर हैं क्या नंबर वन. दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि अच्छा इनकी फिर FBR के साथ और दूसरी जो सेल्स जो टैक्स की बॉडीज हैं उनके साथ रजिस्ट्रेशन के हवाले से क्या रिक्वायरमेंट्स है ये भी समझना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ ये होता है बिकॉज अगेन आई डू नॉट ब्लेम द बडिंग एंटरप्रेन्योर्स फॉर दिस प्रॉब्लम जो है वो इस नॉलेज का जो है वो प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि नॉलेज जो है बड़े रिस्ट्रिक्टेड सर्कल्स में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी. सो आजकल तो वैसे ही जो है वो वन हैज़ टू डी मोनिटाइज नॉलेज और बहुत ज़रूरी है कि इन तमाम सारी इन्फॉर्मेशन को सपोजिटली जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है इसे ज़रा आम किया जाए सो दैट एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस. तो ये बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि अच्छा अगर मैं बिज़नेस शुरू भी कर रहा हूँ तो उसकी टैक्स इम्प्लिकेशंस क्या होंगी. ऐसा तो नहीं होगा कि मैं जो सेल प्राइस रख रहा हूँ
और मैं स्टार्ट में फॉर एग्जांपल ये रख रही हूँ, या जो स्टार्ट में फॉर एग्जांपल हम मार्जिन के ऊपर डिसाइड करते हैं कि भाई ऑब्वियसली स्टार्ट में तो आपने जरा पेनिट्रेशन प्राइसिंग अपनी रखनी होती है ना, कि मैं मैक्सिमम जरा अपना मार्केट शेयर गैदर करूँ, और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता लोगों को जरा आदत हो जाए सस्ते ऊबर और क्रीम की, तो फिर हम जरा अपनी प्राइसेस इंक्रीज करेंगे। सो दैट इज द स्ट्रेटजी, बिजनेस स्ट्रेटजी टू गो बाय। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको पता ही नहीं है कि भाई टैक्स इंप्लिकेशंस क्या है, पता चला आपने अपनी मार्जिन इतना कम रख दिया, अल्टीमेटली आप देखते हैं कि टैक्स वगैरह दे दिला के आखिर में तो आप लॉसेस में, एंड सस्टेन्ड लॉसेस के साथ तो आपको पता है कोई भी बिजनेस सस्टेन नहीं कर सकता। तो इस वजह से ये तमाम इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है कि आपके ऊपर इनकम टैक्स की क्या इंप्लीकेशन होंगी, सेल्स टैक्स की क्या इंप्लीकेशन होंगी, और एंड 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 नॉट टू मेंशन द फैक्ट कि ये सिर्फ फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस नहीं है, ये ऐसे खतरनाक कानून है, इसमें अल्टीमेटली जेल भी हो जाती है। सो ये तमाम चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। एंड मैंने अपनी ज़िंदगी का मिशन यही बनाया है कि भाई बडिंग एंटरप्रेन्योर्स जो है ना, हमने फैसिलिटेट करना है ताकि अल्टीमेटली यही वो लोग हैं जो पाकिस्तान की जो हमारा फेट है, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसे चेंज करेंगे। तो ये उसी के सिलसिले में एक छोटी सी घड़ी है, एक छोटी सी कोशिश है। आखिर में हम ये देखेंगे कि ये जो स्टार्टअप्स हैं जिसके बारे में भाई हम यही कह रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान का जो फ्यूचर है, ये पॉलिटिशियंस नहीं है, ये कोई और इदारा नहीं है, ये जो है वो हमारी ब्यूरोक्रेसी नहीं है, बल्कि ये बर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये स्टार्टअप्स हैं, ये बिजनेसमैन ही हैं जो हमारे पाकिस्तान की तकदीर को चेंज करेंगे। तो इन स्टार्टअप्स के लिए आखिर क्या कानून में कोई कंसेशंस भी हैं? क्या इन्हें वाकई इतनी इंपॉर्टेंस हमारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर दी भी जा रही है? और अगर है तो वो क्या है? तो आए इसे भी जरा हम देखेंगे इस सेशन के अंदर इंशाल्लाह। तो आइए जरा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि डिफरेंट बिजनेस रजिस्ट्रेशन मॉडल्स हैं क्या, फिर हम नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे कि इनके वेरियस प्रोज एंड कॉन्स हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, फायदे नुकसान जो है वो क्या क्या है, तफसीली फिर उनका जरा हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास दो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कंपेरेटिवली एक अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के अंदर, कंपेरेटिवली थोड़े लेस कॉमन स्ट्रक्चर के अंदर बड़े ही प्रोमिनेंट तरीके से पाए जाते हैं। इसमें से पहला स्ट्रक्चर जो है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा है जनरल पार्टनरशिप, क्योंकि ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अपने करेक्टरिस्टिक्स में, अपने सैलिंग फीचर्स के अंदर बहुत एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं, तो इन दोनों को हम साथ ही जरा डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप। नाउ व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप? सोल प्रोप्राइटरशिप ये है कि भाई वन फाइन डे यू गॉट, आपने सोचा कि भाई मैं, मेरे जहन में बड़े अरसे से ये एक बिजनेस आइडिया है और बहुत हो गया इधर उधर की, बहुत मैंने सोच लिया, बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन कर ली, आए जरा आप तमाम ये जो बैरियर्स हैं, हर्डल्स हैं, इन्हें क्रॉस करते हुए हम बिजनेस आज अपना स्टार्ट कर ही रहे हैं, एक बड़े जो है पुरअज़म तरीके से आपने अपना काम शुरू करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के, बगैर कुछ भी मामलात करने के, सिवाय एक सिंपल अदर देन द फैक्ट कि आपने इनकम टैक्स में सिर्फ बताना होगा कि मैं काम शुरू कर रहा हूँ, लेकिन मैं चले इस नाम से काम शुरू कर रहा हूँ, सो अदर देन दैट, अगर आप तमाम चीजों को अवॉइड करना चाहते हैं तो दिस इज द वे फॉरवर्ड फॉर यू, जिसे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस मॉडल कहा जाता है। इसमें क्या इसका फीचर? इसका फीचर ये है कि भाई यू डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन एट ऑल, आप जाएं अपना बैंक अकाउंट ओपन कराएं अपने बिजनेस नेम के ऊपर, जिसके लिए पहले आपने सिर्फ FDR के साथ एज ए सेट एक आप नेम लेंगे कि मैं भाई इस बिजनेस नेम के साथ काम करना चाहता हूँ, एंड यू आर गुड टू गो। आप अपना NTN बनाएंगे, बिजनेस नेम ऐड करेंगे, बैंक अकाउंट ओपन कराएंगे, अगले दिन से आपका काम शुरू हो गया। ईजीएस्ट फास्टेस्ट वे टू स्टार्ट योर बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप। लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। क्या नुकसान है ये हम जो आगे का हमारा सेशन है उसमें ज़रा डिस्कस करेंगे। जनरल पार्टनरशिप क्या है? जनरल पार्टनरशिप ये है कि आप कह रहे हैं कि भाई अकेला तो चले, जिंदगी की और भी दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अकेली नहीं की जा सकती, अकेले करने में मज़ा भी नहीं आता, तो क्यों ना बिजनेस में भी हम एक साथी जोड़ लें, हम एक पार्टनर बना लें, एक कंपेनियन ढूंढ लें। तो ये पार्टनर जो है, अगर इसको मिला के आप बिजनेस करने लगते हैं तो इसे कहा जाता है जनरल पार्टनरशिप, जो कि इसका सबसे आसान, ईजीएस्ट, सबसे क्विकेस्ट जो इसका मोड है वो है जनरल पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है? इसमें अगर आप चाहें, अगर आपकी ये ख्वाहिश है, आपने कंपेनियन तो ले लिया लेकिन आप चाह रहे हैं कि भाई मैं 100% जो है ना, मैं ट्रस्ट नहीं भी करता, या कर भी रहे हैं तो फिर भी इट्स बेस्ट कि यू रिड्यूस योर टर्म्स टू राइटिंग। ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक फॉर्मल डीड जरूर बना लें। तो आपने चीज़ों को और थोड़ा फॉर्मलाइज करने के लिए आप चाहें तो एक गवर्नमेंट की बॉडी, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स जिसे कहा जाता है, प्रोविंशियल अथॉरिटी के अंदर आती है, सो वहाँ पर जाके आप अपनी इस पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर करा सकते हैं।
ताकि कल फॉर एग्जाम्पल फॉर वट एवर रीजन अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, आर्बिट्रेशन की नीड पड़ती है, कुछ भी हो, तो कम से कम आपकी डीड वहां पे रजिस्टर्ड है। सो इस पार्ट और अगर आप ये नहीं भी करना चाहें तो आप अपने अपार्टमेंट की छत पर बैठे हुए आपने कहा कि अच्छा मेरे भाई मेरे दोस्त कल हम जो है मिलके ये काम शुरू करेंगे, तो सौ बिस्मिल्लाह आप आए काम अपने शुरू करें और यू जस्ट नीड अ पार्टनरशिप डीड, उसका आप एक इंडियन आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा टू ओपन इट्स बैंक अकाउंट एंड यू गुड टू गो। वहां से आप अपना काम शुरू कर सकते हैं और कुछ भी फर्दर लवाजमात नहीं है जो आपने इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपने और भी कुछ बैरियर्स कुछ हर्डल्स क्रॉस करने हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप बड़ी आसानी से अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो हम आ गए जो दो बड़े ही सिंपल और जिसे मैं कहूँगा कंपेरेटिवली लेस फॉर्मल जो है वो हमारी इकोनॉमी के सेक्टर्स अमूमन जिन जिन रजिस्ट्रेशन मॉडल्स के ऊपर काम करते हैं वो ये दो हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप और जनरल पार्टनरशिप। लेकिन अगेन अगर आप लेट से आप थोड़ा हाईटेक का काम जो है वो करना चाहते हैं या आप बिकॉज दिस सेशन स्पेसिफिकली टारगेटेड फॉर स्टार्टअप्स, तो ऐसी सिचुएशन में आप अल्टीमेटली चाहते हैं कि नहीं मुझे फाइनेंसिंग के राउंड्स चाहिए होंगे या मुझे कोई सीड कैपिटल चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में भी ज़रूरी है कि भाई आप एक कुछ ना कुछ एक फॉर्मल स्ट्रक्चर आपको चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में व्हाट यू नीड आर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज क्या होती हैं, ये अक्सर जो है लोग जब कंपनी कहते हैं तो वो उनका मतलब जो है कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होता है। लेकिन क्योंकि अब आप जो है वो अपना एक बिजनेस वर्ल्ड में या तो कदम रख चुके हैं या कई सालों से पहले ही कर रहे हैं, तो आप क्योंकि एक बिजनेस पर्सन हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपके जहन में ये डिस्टिंक्शन होना बहुत ज़रूरी है। जब आप इसके ऊपर बात करें तो मेरी आपसे तवक्को उम्मीद यही है कि आप इस मामले में गलती नहीं करेंगे, इस वजह से आपका समझना ज़रूरी है। तो आपने क्या करना है, आपने ये समझना है कि जो लिमिटेड लाइबिलिटी, जब भी कंपनी जब प्रोफेशनल कंपनी की बात करते हैं तो वो बात करते हैं एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की। इससे क्या मुराद है, ये एक ऐसी कंपनी है जो कि पाकिस्तान में SECP यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर होती है और इसके बड़े स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसमें शेयर होल्डर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, बड़े ही खूबसूरत तरीके से और बड़ी ही कॉम्प्रिहेंसिव हंड्रेड्स ऑफ सेक्शंस के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूटिव एक ये लॉ है कंपनीज एक्ट 2017 जो कि इन तमाम लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज को गवर्न करता है, नॉट टू मेंशन अ नंबर ऑफ अदर रूल्स एंड लॉज जो कि इनके ऊपर अप्लाई होते हैं। अगर मेरी इस तमहीद से आप ऑलरेडी डर चुके हैं कि ये जो इतने लॉज का और रूल्स का ये नाम ले रहे हैं तो ये कौन फॉलो करेगा, बेहतर है कि हम सोल प्रोप्राइटर और जनरल पार्टनरशिप के अंदर ही काम करें, तो आप बिल्कुल भी मत डरिएगा इन तमाम मसाइल, क्योंकि जहाँ मसला है वहाँ हल भी होते हैं, जहाँ मुश्किल है आसानी भी होती है। तो इस वजह से और ये भी याद रखिए कि जब भी बड़ा आपने काम करना हो तो दिस इज़ द बेस्ट वे एंड द बेस्ट स्ट्रैटेजी गोइंग फॉरवर्ड। तो आप ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज हैं, जो SECP रजिस्टर्ड कंपनीज, इन्हें हमेशा जहन में रखिएगा। सो ये वो कंपनीज हैं, इनमें सबसे जो बड़ी कंपनीज होती हैं उन्हें जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती हैं उन्हें लिस्टेड कंपनीज कहा जाता है। पाकिस्तान में तकरीबन देयर आर अबाउट 550 लिस्टेड कंपनीज, ज़्यादा नहीं है, आजकल कुछ लिस्टिंग्स चल रही हैं, बट अगेन द इकोसिस्टम इवन इन द कॉर्पोरेट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान इज नॉट एज डेवलप्ड। तो फॉर स्टार्टअप्स ज़्यादा जो रेलिवेंट है वो दो टर्म्स जानना है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं और दूसरा है सिंगल मेंबर कंपनी। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये हम क्विकली समझ लेते हैं। सो अगर आप जो हैं वो सिंगल पर्सन हैं, आप चाह रहे हैं कि भाई ये मैं बिजनेस, मेरा आइडिया जो है इतना यूनिक है कि मैं इसमें किसी को पार्टनर तो नहीं रख सकता, सो मैं ये करूँगा कि मैं एम्प्लॉइज रख लूँगा थोड़ी फंडिंग वगैरह गैदर करके, लेकिन आई डू नॉट वॉन्ट एनी पार्टनर्स और मुझे सेटअप भी कंपनी करनी है, मैं चाह रहा हूँ कि शेयर कैपिटल हो, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हो, मैनेजमेंट हो, गवर्नेंस हो, तो द सिंगल मेंबर कंपनी इज फॉर यू। इसमें क्या होता है कि इसमें शेयर होल्डर सिर्फ एक सिंगल पर्सन शेयर होल्डर बन सकता है, आपको मल्टीपल शेयर होल्डर्स नहीं चाहिए। यू कैन बी 100% ओनर ऑफ दिस कंपनी एंड देन यू कैन एंजॉय ऑल द अदर बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद हैविंग अ लीगल स्ट्रक्चर जो कि कंपनी स्ट्रक्चर के अंदर काम कर रहा है। सो ये इसकी खूबसूरती है, मतलब यू गेट बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, जिसमें आपको एक लीगल स्ट्रक्चर जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी का मिल जाएगा। ये क्या एग्जैक्टली चीज़ है ये भी जरा हम
इन ड्यू कोर्स डिस्कस करेंगे। और आप जो है वो अकेले सिंगल ओनर एंटरप्रेन्योर द होली सोली इस पूरे स्ट्रक्चर के जो है वो करता धरता होंगे। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द स्ट्रक्चर। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऑन द कॉन्ट्ररी आपको मिनिमम दो मेंबर्स चाहिए होते हैं। सो यू नीड एटलीस्ट टू पीपल जो कि इस कंपनी में ओनर्स होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे। उनका प्रोपोर्शन क्या होगा अलबत्ता ये आपके ऊपर है। आप कहते हैं कि नहीं, मैं जो है 99.5% शेयर होल्डर बनना चाहता हूँ, बिल्कुल आप बन जाए, कोई आपको नहीं रोक सकता। सिर्फ उतना कैपिटल आपने जो है वो इन्वेस्ट करना होगा सच दैट इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आप करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 50 लाख की कर रहे हैं, सच दैट 99.5% इन्वेस्टमेंट आप ही करें, विच देन नीड्स टू बी सर्टिफाइड, और बकिया जो इन्वेस्टमेंट है वो दूसरे शेयर होल्डर्स करें। सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ दीज लिमिटेड लाइबिलिटीज वर्क। और ये तीन prominent forms of limited liability companies hain, starting with a single member company, then you have a private limited company, and then you have a public listed company or an unlisted company. Lekin baharal aap samajhne ke had tak aap samajh lein ki ye wo jo term hai wo listed companies ke liye hi use hota hai jo ke stock exchange mein jaake listed hoti hai. Acha main aapko ye bata dun ki kyunki hum ye Facebook pe live stream kar rahe hain, तो अगर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं तो वहाँ पे आप हमें कमेंट्स में क्वेश्चंस अपने पोस्ट करते जाएं, एंड आफ्टर एट द एंड ऑफ दिस सेशन हम आपके तमाम जो क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह पूरी हमारी कोशिश होगी कि उन्हें एड्रेस करें। फाइनल फॉर्म ऑफ बिजनेस मॉडल जो है ये एक, दिस इज द लेटेस्ट एडिशन टू द टीम, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इंटरनेशनली जो लॉज हैं इंटरनेशनल बिजनेसिस के अंदर ये फॉर्म पहले ही एग्जिस्ट करता था। हम क्योंकि अमूमन बेशतर चीज़ों में लेट अडॉप्टर्स होते हैं तो इन लॉज में भी हम ज़रा लेट अडॉप्टर्स हैं, लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, हम पहुंच गए। हमने भी सोच लिया, ठान ली कि भाई अगर हमने फैसिलिटेट करना है बिजनेसेस को तो हमें ज़रा बिजनेस रजिस्ट्रेशन मॉडल्स का जो यूनिवर्स है, जो इको सिस्टम है, और एक्सपैंड करना है। तो SECP देन इंट्रोड्यूस्ड दिस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट इन 2017, और फिर 2018 में उन्होंने उसके रेगुलेशंस भी इंट्रोड्यूस कर दिए। अब आप अगर बिजनेस करना चाहें तो आप एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के स्ट्रक्चर के अंदर भी कर सकते हैं, और इस स्ट्रक्चर की खूबसूरती यह है कि इट हैज़ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ पार्टनरशिप एंड इट हैज़ द बेनिफिट ऑफ बीइंग अ लिमिटेड लाइबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप तो आप समझ गए काफ़ी हद तक, जो हमने जनरल पार्टनरशिप में डिस्कस किया था। The only difference here is that बजाय इसके कि आप एक general partnership की तरह इसकी registration एक registrar of firms में करें, limited liability partnership की registration होती है Securities and Exchange Commission of Pakistan SECP में, which makes it even more credible. अगर कल आपका कोई dispute है, कोई difference of opinion है, जो भी चीज़ें हैं, आप even अगर किसी business के साथ काम कर रहे हैं and they question your credibility, तो आप जो है वो बड़े एक confidence के साथ कह सकते हैं कि भाई वी आर रजिस्टर्ड विद SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ हम रजिस्टर्ड हैं, और हम जो है बड़ी अच्छी लेवल का काम कर रहे हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। और इसमें लाइबिलिटी भी लिमिटेड होती है एज द नेम सजेस्ट, जिसका फायदा क्या है, ये है क्या चीज़ आखिर, ये हम जरा आगे डिस्कस करेंगे। एंड देन इट ऑल्सो इज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ पार्टनरशिप, कि बड़ी ईजिली आप जो है वो पार्टनर्स का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, और आपने जो है वो शेयर ट्रांसफर्स वगैरह के जो मामला हैं उन सारी चीजों के अंदर नहीं पड़ना। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द स्ट्रक्चर। यहां तक आई होप आपके टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स के हवाले से कुछ एक बुनियादी खाका जो है वो आपके जहन में आ गया है। अब आए जरा हम देख लेते हैं कि इन डिफरेंट मॉडल्स के प्रोज एंड कॉन्स आखिर क्या है, तो ये भी समझना जरा जरूरी है। अगर इफ यू हैव टू मेक एन इन्फॉर्म डिसीशन, या अगर आप ऑलरेडी किसी मॉडल के अंदर काम कर रहे हैं एंड यू वॉन्ट टू डिसाइड कि भाई क्या मुझे अपना बिजनेस मॉडल चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है, देन जो हमारा अभी डिस्कशन अब आएगा उसमें ज़रा आपने बहुत ध्यान देना है और गौर से सुनना है। अच्छा, यहाँ पे हमने अब लिस्ट डाउन कर दिए हैं ये पांचों फॉर्म ऑफ बिजनेसेस, जिसमें एक्सट्रीम लेफ्ट पे वी हैव अ प्राइवेट कंपनी, एंड देन वी हैव अ सिंगल मेंबर कंपनी, देन वी हैव अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप LLP, then we have a general partnership and then sole proprietorship. तो ये पांच types of business registration models हमने पिछली slide में discuss किए। अब जरा हम इनके distinctive features देखेंगे, क्या इनके फवायद और नुकसान हैं, and यही वो segment है जिसके through आपने अपनी informed decision making करनी है। So let's just focus on this for now.
अच्छा सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो कौन सी सिचुएशन में सबसे ज्यादा सूटेबल है, ये आपने समझना है। अच्छा पहले हम इवेल्युएट करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। सो ऐसा बिजनेस जो कि आप एक्सपेक्ट करें कि क्विकली हाई टर्नओवर्स में मूव हो जाएगा, सो मे बी यू हैव एक हाई टर्नओवर बेस्ड कोई आपका इम्पोर्ट का काम है, या आप मैन्युफैक्चरिंग प्लान कर रहे हैं, या हाई वॉल्यूम्स ऑफ ट्रेडिंग कोई बिजनेस आप प्लान कर रहे हैं, और फॉर दैट मैटर आप कोई हाईटेक या टेक्नोलॉजी बेस्ड अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे सब्सिक्वेंटली यू फील कि आपको यू विल हैव टू डू मल्टीपल राउंड्स ऑफ फंडिंग, तो ऐसी सिचुएशन में ये दोनों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड अ सिंगल मेंबर कंपनी आपके लिए सूटेबल है, इनफैक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट है। और ना सिर्फ ये बल्कि अगर आप ये चाहते हैं कि भाई मैं 100% कंट्रोल रिटेन करना चाहता हूँ वाइल इंजॉइंग द बेनिफिट्स ऑफ दीज अदर जो कि ऑफर होते हैं फंडिंग की शक्ल में और डिफरेंट चीज़ों के हवाले से, देन आप SMC की तरफ भी जा सकते हैं। बट अगेन दिस इज लॉजिकल, इट गोज विदाउट सेइंग कि भाई अगर आप फंडिंग लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ शेयर कैपिटल ऑफर करना पड़ेगा, तो ऐसी सिचुएशन में अल्टीमेटली ये सिंगल मेंबर कंपनी हो नहीं सकती, तो ऐसी सिचुएशन में एक प्राइवेट कंपनी आपके लिए मोस्ट सूटेबल होगी। और इसके और भी कई फायदे हैं जिन्हें हम गोइंग फॉरवर्ड जरा डिस्कस करेंगे। जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, जनरल पार्टनरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, जैसा कि मैं पिछले सेक्शन में डिस्कस कर रहा था, ये ज़्यादा सूटेबल होती हैं कंपैरेटिवली इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर, जहाँ पे टर्नओवर ज़्यादा नहीं होते। जहाँ पे टर्नओवर ज़्यादा नहीं होता, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट लाइबिलिटीज़ नहीं एक्सपेक्ट करते, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये वाले जो बिजनेस मॉडल्स हैं, बिजनेस रजिस्ट्रेशन मॉडल्स हैं, वो फिर भी चल जाते हैं। लेकिन उसमें भी अगर आप चाह रहे हैं कि आप और ज़्यादा क्रेडिबिलिटी इंजॉय करें, थोड़ा ज़्यादा एक स्ट्रक्चर्ड मॉडल के अंदर काम करें, देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज़ द बेस्ट अमंग ऑल दीज थ्री ऑप्शंस। और उससे भी अगर आप और थोड़ा चाह रहे हैं कि थोड़ा लेस रेगुलेटेड हो, कंप्लाइंस वगैरह थोड़ी कम हो, उसकी कॉस्ट भी कम हो, तो ऐसी सिचुएशन में जनरल पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप आर मोर सूटेबल इन दोज सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ तक हमने देख लिया, ये डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं और ये कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस हैं जिनके लिए ये डिफरेंट बिजनेस रजिस्ट्रेशन मॉडल्स ज़्यादा सूटेबल होंगे। अगला क्या फैक्टर है जो कि हमने जहन में रखना है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। ये भी मैं आपको डिस्टिंक्टिव फीचर्स में एक्सप्लेन कर रहा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप, बल्कि इनफैक्ट इन तमाम चीज़ों से तकरीबन जो है वो नाम से विजिबल है, तकरीबन जो है वो नाम से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स सोल पर्सन उसका ओनर होगा। पार्टनरशिप, अब वो दोनों हो सकती हैं, वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो या वो जनरल पार्टनरशिप हो, आपको पार्टनर पार्टनरशिप हम कहेंगे ही उसे जब आपके पास मिनिमम एक और पार्टनर हो, एक और कंपेनियन हो। सो यू नीड टू मेंबर्स जब भी आप पार्टनरशिप सेट कर रहे हैं। अलबत्ता एक सिंगल मेंबर कंपनी के लिए आप यू डू नॉट नीड मल्टीपल शेयर होल्डर्स, आप जो है वो एक सिंगल पर्सन उसका ओनर हो सकता है, जबकि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज टू, मिनिमम शेयर होल्डर्स दो होने चाहिए। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपको जो है वो सो प्रोपोर्शन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आप 50-50 रखें या 55-45 रखें, आप इसका प्रोपोर्शन रख सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, प्रोवाइडेड कि उतना जो रेलिवेंट अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग है इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल, कंपनी में जो आप कैपिटल इंजेक्ट करते हैं वो शेयर्स की शक्ल में करते हैं, तो उतना जो रेलिवेंट कैपिटल है वो आप इनपुट करें उसके अंदर। और क्या चीज़ें हैं जो हमने जहन में रखनी है? अब ये वाले जो फैक्टर्स हैं इस पर आपने खास जोर देना है, ज़रा ठीक से समझना है, बिकॉज ये एक बहुत अहम चीज़ है, और स्पेशली पीपल हु आर मोर इंक्लाइंड, जिनकी बिजनेस एक्सपीरियंस नॉलेज बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, बट ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी आपने और अगर लेनी है, तो ये एक बड़ा डिस्टिंक्टिव फीचर है, ये आपने समझना है। इसे हम इसके जो है वो मल्टीपल एंगल्स हैं, इसे हम लिमिटेड लाइबिलिटी भी कहते हैं, और हतल इम्कान ऐसा ही होता है कि जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है उसकी फिर सक्सेशन परपेचुअल होती है, जहाँ पे जो लेफ्ट पे आप सक्सेशन देख पा रहे हैं। सो असल सवाल इसके अंदर ये है कि परपेचुअल सक्सेशन है या नहीं है, और फिर इसी का एक और पहलू है जिसे ये कहा जाता है कि उसकी सेपरेट एंटिटी है या नहीं है। तो इन तीनों क्वेश्चन का जवाब जो है वो हम इसी सेक्शन के अंदर देंगे। सबसे पहले देखते हैं लाइबिलिटी का लिमिटेड होना से क्या मतलब है। लाइबिलिटी का लिमिटेड होने से मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप एक नया अपना स्टार्टअप सेट कर रहे हैं, आप एक नया बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, सो यू डू नॉट नो फॉर श्योर, आई एम श्योर आप एक उसकी जरूर बिजनेस फीजिबिलिटी करते हैं, यू बड़े कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस प्लान बनाते हैं,
स्टार्टअप्स के केस में, अगर फंडिंग राउंड्स हैं तो पिच भी होती है, तो ऐसी सिचुएशन में बड़ा क्रिटिकली जो है वो उसे इवेल्युएट आप खुद भी करते हैं, एंड देन यू ऑल्सो हैव मेंटर्स जिसे आप उसकी क्रिटिकल इवेल्युएशन करवाते भी हैं. लेकिन बहरहाल, सो यू क्रॉस्ड ऑल ऑफ दोज राउंड्स, माशाल्लाह यू गॉट सम फंडिंग, वंडरफुल. अब जो है, अब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, वो नहीं चला, लॉसेस हो गए, बड़ी सिग्निफिकेंट लाइबिलिटीज आपने पाइल अप कर दी. तो अगर आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है, जो कि कब नहीं होगी, सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं होगी और जनरल पार्टनरशिप में नहीं होगी, जो हमारे एक्सट्रीम राइट पे आ रहे हैं. तो अगर आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है, और लेट से आप बहुत सिग्निफिकेंट लाइबिलिटीज एक्रू कर लेते हैं अपने वेंडर्स से, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई कैब एग्रीगेटर का बिजनेस है, बाकिया है, करीम है, सो यू हैव टू पे आउट अ ह्यूज नंबर ऑफ दीज पार्टनर्स, राइट, जिनको आपको पेमेंट करनी है. सो आपके पास फंड ही नहीं है, आप कैसे करेंगे, या यू आर रनिंग इनटू सिग्निफिकेंट लॉसेस. तो अब इफ यू हैव एनी प्राइवेट एसेट्स और आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है, तो लीगली ये लोग कह सकते हैं कि भाई आपके पास हमें पैसे देने के लिए नहीं है, चले आपका घर तो है, गाड़ी तो है, ज्वेलरी तो है, बंगला तो है, ये चीजें हम ले लेंगे बेच के, फिर अपनी जो लाइबिलिटीज हम पूरी करेंगे, अगर आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है तो. सो दैट इज द प्रॉब्लम. और आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड किन स्ट्रक्चर्स के अंदर होती है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर होती है, सिंगल मेंबर कंपनी के अंदर होती है, और एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर आपकी जो लाइबिलिटीज होती है वो लिमिटेड होती है. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स. ना सिर्फ ये, अब ये एक बड़ी अजीब, अगर हम इफ वी टेक अ स्टेप बैक, क्योंकि हम रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें देखते हैं, समटाइम्स वी लूज पर्सपेक्टिव. एक एक फ्रेश आईज से आपको देखना पड़ता है. तो अगर आप लेट्स से किसी एलियन को ले आए, या किसी ऐसे शख्स को ले आए जो, क्योंकि कंपनीज तो खैर तकरीबन 400 सालों से एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन और आप अगर आप पीछे चले जाएं, उस बंदे को कहें कि भाई ये एक स्ट्रक्चर है, ये कोई लीगल एक एंटिटी है जो सू भी कर सकती है, किसी और के खिलाफ कोई लीगल केस फाइल कर सकती है, इसके खिलाफ भी लीगल केस हो सकता है, लेकिन ये कोई कोई दिस इज नॉट अ लिविंग पर्सन, बट दिस एंटिटी कैन ओन एसेट्स, और ये जो है वो प्रॉपर्टी भी ओन कर सकती है, बिजनेस भी रन कर सकती है. सो आई एम श्योर वो बहुत उनको धचका लगेगा और बहुत शॉक्ड होंगे. लेकिन बहरहाल, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस लीगल स्ट्रक्चर. ये सारी ख्याली चीजें, ऑल ऑफ दीज आर इमेजिनरी. अच्छा, कोई एंटिटी है, एक कोई कंपनी है, और उसके नाम पे लीगल टाइटल भी होल्ड हो सकता है, उसे सू भी किया जा सकता है, उसकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड होगी. सो ये क्या है, ऑल ऑफ दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ कंपनी एंड अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. तो ये स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे हैं, और इन केस ऑफ एनी रिस्की वेंचर्स, नए जो वेंचर्स हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनमें तो ये इंतहाई सूटेबल है. तो ऐसी सिचुएशन में, लेकिन ऑब्वियसली फॉर एवरी एडवांटेज, कुछ ना कुछ आपको जो है उसकी कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ती है. तो वो क्या चीज़ें हैं, वो भी जरा हम सब्सिक्वेंटली डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आप थोड़े फवायद समझें इन चीज़ों के. तो यहाँ तक हमने देख लिया कि लिमिटेड लाइबिलिटी क्या है, और सक्सेशन से क्या मुराद, कि भाई लेट्स से जो शेयर होल्डर्स हैं, जो ओनर्स हैं, उसमें से किसी की डेथ हो जाती है या तमाम लोगों की डेथ हो जाती है, तो कंपनी विल कंटिन्यू ऑन, बिजनेस अपनी जगह कैरी ऑन होता रहेगा, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो शेयर्स हैं, अब वो आपके सक्सेसर्स को ट्रांसफर हो जाएंगे, बट कंपनी इन इटसेल्फ डिसॉल्व नहीं हो जाती. सो दिस होल्ड्स ट्रू फॉर अ प्राइवेट कंपनी, फॉर एन SMP, SMC, और एक जो LLP है उसके लिए भी ये बिल्कुल मुमकिन है, पॉसिबल है कि उसके अंदर भी एक सक्सेशन हो, प्रोवाइडेड आप अपनी पार्टनरशिप डीड के अंदर वो टर्म्स इंस्क्राइब करा दें और स्पेसिफिक वो टर्म्स जो है वो सेट कर दें. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स. और ऐसे ही इनकी एंटिटी भी अलग होती है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि भाई ये एक लिमिटेड लाइबिलिटी स्ट्रक्चर है, और इसमें परपेचुअल सक्सेशन होगी, तो इनकी लीगल एंटिटी बेसिकली जो है वो अलग होती है कानून की नज़र में. ये आपसे अलग है. सो शेयर होल्डर्स अलग हैं, जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स हैं वो अलग हैं, और ये जो कंपनी है या जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, इनकी लीगल एंटिटी अलग है. यही मुराद है जब मैं कह रहा हूँ कि ये अपने नाम पे प्रॉपर्टी भी होल्ड कर सकते हैं, इनको इनके खिलाफ कोई लीगल केस भी फाइल किया जा सकता है, लिटिगेशन फाइल की जा सकती है. जैसे हो सकता है आपकी नॉलेज में हो कि वोल्क्सवैगन, बड़ा एक इंटरनेशनल जो है वो प्रोमिनेंट ये केस है, बहुत हाईलाइट हुआ कि उन्होंने अपनी जो डीजल एमिशन के टेस्ट थे उस पर दे लाइड ऑन इट. उन्होंने खुद एतराफ किया, माना कि भाई नहीं, हमने अपने जो रिजल्ट थे उन्हें हमने चेंज किया था, अमेंड किया था, एंड हमने जो एक्चुअल रिजल्ट्स थे अपने डीजल इमिशंस के हवाले से वो हमने ठीक से नहीं बताए थे. तो उस कंपनी को बहुत हैवी फाइंस लगे. तो वो फाइंस किसे लगे? उस कंपनी के ओनर्स को नहीं लगे, उसमें जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स थे, एग्जीक्यूटिव्स को खैर अपनी कैपेसिटी में लग जाते हैं, लेकिन कंपनी को अलग लगते हैं.
सो ये आप समझे, लेकिन कंपनी को ऑब्वियसली जेल नहीं किया जा सकता, तो वो फिर एग्जीक्यूटिव्स को जेल किया जाता है, लेकिन बहरहाल कंपनी को अलग से फाइन लगता है, अलग से उसके ऊपर लिटिगेशंस लगती हैं, अलग से पेनल्टीज लगती हैं। सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय अस डूइंग अ बिजनेस बाय अ सेपरेट एंटिटी, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस। तो ऐसी सिचुएशंस में स्पेशली जो कंपेरेटिवली बिजनेसेस आप समझ रहे हैं कि दे माइट रन इनटू हाई लाइबिलिटीज, ऐसे कुछ मामला हो, तो द कंपनी स्ट्रक्चर इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड जिसके थ्रू आपको काम करना चाहिए। और इसके बरक्स ये जो मैंने आपको तीन चीजें बताई, लिमिटेड लाइबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड द थर्ड इज व्हाट, सेपरेट एंटिटी, ये तीनों चीजें आपको एक जनरल पार्टनरशिप के अंदर और एक सोल प्रोप्रेटरशिप के अंदर नहीं मिलेंगी। वहां पे आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, जैसे मुराद ये कि इफ यू रन इनटू लॉसेस तो आपके अपनी जायदाद, घर, गाड़ी, ज्वेलरी, तमाम चीजें जो हैं आपकी लाइफ सेविंग्स वेयर एट रिस्क। पाकिस्तान में तो और डबल रिस्क है। और ना सिर्फ ये, आपको परपेचुअल सक्सेशन नहीं होगा, आपकी सेपरेट कोई लीगल एंटिटी अलग नहीं होती, आप उसी के अंदर ही बिजनेस कर रहे होते हैं। तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो कि आपने जहन में रखने हैं व्हेनेवर यू वांट टू स्टार्ट आउट ऑन एनी बिजनेस, या फिर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं और अब आप रीवैल्यूएट करना चाहते हैं कि क्या मुझे अपने स्ट्रक्चर को चेंज करने की जरूरत तो नहीं है। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट प्रीएम्बल्स, सम इम्पॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट्स जो कि आपने जहन में रखने हैं। आगे आए और जरा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो उन्हें भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंप्लायंस। कंप्लायंस में क्या क्या आ जाता है? कंप्लायंस जब हम कहते हैं तो इससे मुराद जो है वो लीगल कंप्लायंस भी है, जिसमें रेगुलेटरी बॉडीज, जिसमें एसईसीपी है, या अगर आपका कोई ऐसा इदारा है जो कहीं और भी उसे रजिस्टर कराने की जरूरत है, जैसे फॉर एग्जांपल जो जो टेलीकॉम रिलेटेड कंपनीज वो पीटीए में होंगी, जो मीडिया रिलेटेड हैं वो पेमरा में होंगे। तो ये जो कंप्लायंस बॉडीज हैं, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, तो कंप्लायंस और देन ऑब्वियसली टैक्स अथॉरिटीज इज वेल। तो कंप्लायंस में हम ये देखते हैं कि उनका फ्रेमवर्क किस तरीके से है, कितना रेगुलेटरी स्ट्रिंजेंट है, कितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि वो अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन रेगुलेटरी बॉडीज़ को मुहैया करेंगे, टाइमली मुहैया करेंगे, किस फॉर्मेट में मुहैया करेंगे। सो ये तमाम चीज़ें मिला के, इन तमाम चीज़ों का मजमू जो कलेक्टिवली, इसे कंप्लाइंस का लेवल जो है वो कहा जाता है। तो यहाँ पे आप जैसे बड़ा वाजे तौर पर देख सकते हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की कंप्लाइंस फ्रेमवर्क सबसे ज़्यादा होता है। इसमें टैक्स भी आ जाता है, इसमें एसईसीपी की रिपोर्टिंग भी आ जाती है, इसमें ये भी आ जाता है कि आप अपने जो लिमिटेड जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, अकाउंट्स हैं, वो आप ऑडिट कराएंगे, किससे ऑडिट कराएंगे, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराएंगे, किसी और किसी प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर से कराएंगे, तो ये तमाम चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हवाले से सबसे ज़्यादा है, फिर एक सिंगल मेंबर कंपनी, फिर जो एक एलएलपी है उसका मॉडरेट है, और फिर लीस्ट कंप्लाइंस जो है, लीस्ट आपसे जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग लिस्ट एंड लिटनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स दैट नीड टू बी फॉलोड, तो वो लीस्ट होती हैं जनरल पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, जिन दोनों के अंदर वो तकरीबन सेम ही हो जाते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो जनरल पार्टनरशिप है और सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसमें जो कंप्लाइंस फ्रेमवर्क कह लें या एटमोसफेयर कह लें, कंप्लाइंस इन्वायरमेंट कह लें, वो लो होता है कंपेरेटिवली। आप यू हैव टू फोकस मोर ऑन योर बिजनेस, आप बड़े आसानी से, आराम से अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करें, इन इन रेगुलेटरी चीज़ों के ऊपर आप थोड़ा कम फोकस करते हैं। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ वर्किंग इन दीज स्ट्रक्चर एज फार एज कंप्लाइंस कॉस्ट एंड कंप्लाइंस फ्रेमवर्क इज कंसर्न। दूसरा हम देखते हैं कि ईज ऑफ रेजिंग कैपिटल, बिकॉज अगेन दिस सेशन इज स्पेशली फॉर स्टार्टअप्स, तो रेजिंग कैपिटल is a very significant portion of how startups work. तो ऐसी सिचुएशन में हमने ये फैक्टर भी जो है बड़ा जहन में हमने रखना है। अलबत्ता ये ईज ऑफ रेजिंग कैपिटल जो है, ये बैंक्स के ऊपर भी अप्लाई होता है when you apply for bank financing, लेकिन ये स्टार्टअप फंडिंग के ऊपर भी अप्लाई होगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म कर लेते हैं, एक SMC फॉर्म कर लेते हैं, या आप LLP के अंदर भी काम करते हैं, तो आपके लिए कंपेरेटिवली आसान होगा कि आप स्टार्टअप फंडिंग या कोई और आप फाइनेंसिंग ले रहे हैं, कोई कैपिटल आप रेज कर रहे हैं, वो आप रेज कर सकें। अलबत्ता अगर आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, मैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ही काम करूंगा या जनरल पार्टनरशिप के अंदर ही काम करूंगा, तो फिर ये जो फंडिंग है, ये कैपिटल रेज करना जो है ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज जो भी एक पॉसिबल इन्वेस्टर होगा, या अगर आप बैंक को भी अप्रोच करते हैं फाइनेंसिंग के लिए, तो दे वुड वॉन्ट के उनका जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड हो,
और इंटरेस्ट प्रोटेक्शन के अंदर शेयर्स भी आ जाते हैं, इसमें ये भी आ जाता है कि आपका स्ट्रक्चर, क्योंकि जैसे दिस इज लिंक्ड टू कंप्लायंस एज वेल, वो ये भी देखा जाता है कि अगर एक एक फॉर्मल सेक्टर के अंदर आप काम कर रहे हैं जहाँ पे कंप्लायंस फ्रेमवर्क ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, कंपैरेटिवली ज़्यादा सख्त है, तो ऐसी सिचुएशन में आप ज़रूर इन 4, 5, 10 रिक्वायरमेंट्स को तो फॉलो करते ही होंगे। तो इसमें जैसे कंपैरेटिवली लोन मिलना जो है या फंडिंग मिलना या इन्वेस्टमेंट मिलना आसान हो जाता है, तो वेन एवर यू आर इन नीड ऑफ रेजिंग कैपिटल, तो ऐसी सिचुएशन में अगेन यू हैव टू लीन मोर टुवर्ड्स अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी टुवर्ड्स अ सिंगल मेंबर कंपनी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपने जहन में रखने हैं। यहाँ तक तो हमने देखा कि इनके डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या होते हैं, क्या फ़वाद हैं, क्या नुकसान हैं, लेकिन यहाँ पे हमने जनरली उनके जो लीगल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें हमने ज़्यादा ऑब्जर्व किया, थोड़ा हमने जो है वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के हवाले से भी देखा, कुछ हमने फंडिंग के हवाले से भी देखा। अब आए ज़रा हम स्पेसिफिक इनकी टैक्स इम्प्लीकेशन देख लेते हैं कि अगर आप इनमें से किसी एक स्ट्रक्चर को ऑप्ट करना चाहें तो क्या आपकी टैक्स इम्प्लीकेशन चेंज होंगी या सेम रहेंगी। अब एक तो ये बात समझना ज़रूरी है यहाँ पे कि आपकी जो टैक्स है उस पर क्या रेट अप्लाई होगा, उसका लेवल क्या होगा, क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक फैक्टर तो ऑब्वियसली ये है कि आपकी जो इनकम स्ट्रीम है वो है क्या। अगर इफ समबडी इज अर्निंग रेंटल और सैलरी और कोई फिक्स्ड इनकम, कोई प्रॉफिट ऑन डेट है या इंटरेस्ट इनकम है या डिविडेंड इनकम है, तो उनकी टैक्सेशन उसी तरीके से नहीं होगी, ये जाहिर है, जिस तरीके से इफ फॉर एग्जाम्पल समबडी इज रनिंग अ बिजनेस। तो एक तो हमने ये फैक्टर जहन में रखना है कि आप काम कर क्या रहे हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, आपका नेचर ऑफ बिजनेस या नेचर ऑफ एक्टिविटी क्या होगी, दैट इज व्हाट फैक्टर नंबर वन। लेकिन ये भी देखा जाता है कि आपका लीगल स्ट्रक्चर क्या है, उस हिसाब से भी आपकी जो टैक्सेबिलिटी है, आपकी जो टैक्स रिजीम है, जो टैक्स की कॉम्प्लिकेशन है, ये सारी चेंज हो जाती है। अब इसमें लॉ की नज़र में जो पार्टनरशिप है वो उसे एज ए होल सिंगल तरीके से देखा जाता है, तो अब जब हम टैक्स पर्सपेक्टिव से पार्टनरशिप की बात करेंगे तो सेम ही प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस वो जनरल पार्टनरशिप के भी ऊपर अप्लाई होंगे और एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के ऊपर भी अप्लाई होंगे, और ऐसे ही SMC और PVT के अंदर भी फ्रॉम अ टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू कोई डिफरेंस नहीं होता, और जबकि एक सोल प्रोप्राइटरशिप फिर एक सेपरेट तरीके से देखी जाती है। तो आए ज़रा हम इन फैक्टर्स का भी जायजा लेते हैं, ज़रा इन्हें इवेल्यूएट करते हैं। सबसे पहले द फर्स्ट प्लेस टू स्टार्ट इज ऑब्वियसली टैक्स रेट्स। टैक्स रेट में भी क्या डिफरेंस है, टैक्स रेट्स में ये डिफरेंस है कि अगर आपकी कंपनी है, अनलेस इट इज अ स्मॉल कंपनी, और स्मॉल कंपनी से मुराद वो इसे इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी एक्टिविटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल उसका रेवेन्यू क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्या है, कलेक्टिव उसका जो कैपिटल है वो कितना है। तो अगर आप स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में आ जाते हैं, जो कि अक्सर बेशतर जो स्टार्टअप्स होंगे एटलीस्ट अपने शुरुआती कुछ सालों में, तो वो स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में ही आएंगी, तो उनके ऊपर जो इफेक्टिव रेट होता है वो होता है 22% ऑफ योर इनकम, जबकि एक नॉर्मल कंपनी के ऊपर दैट इज 29% स्ट्रेट रेट। अब ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि आपकी इनकम लाख रुपये है, 1 करोड़ है या 10 करोड़ है, जो भी आपकी इनकम है इफेक्टिवली उसकी इनकम के ऊपर इतना तो आपने टैक्स पे करना ही करना है, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते। जबकि आप अगर LLP जनरल पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप के स्ट्रक्चर के अंदर काम करते हैं तो फिर आपका जो इफेक्टिव टैक्स रेट है वो वेरी करेगा फ्रॉम, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रॉम 5% to 35% डिपेंडिंग ऑन कि आपका प्रॉफिट क्या है। सो दिस इज मोर जस्ट, ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, इन द सेंस कि स्टार्ट की जो हमारी रेंज है, जैसे 6 लाख है, 9 लाख है, 12 लाख है, सो ये स्लैब वाइज एक वेट्स होते हैं, स्टार्ट में कम होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है आपका टैक्स रेट भी बढ़ता जाता है, बेस्ड ऑन द प्रेमाइस कि जो ज़्यादा कमा रहा है उसे टैक्स भी ज़्यादा देना चाहिए। ये सबके ऊपर अप्लाई नहीं होता, लेकिन बहरहाल हम बिकॉज वी आर अ नॉर्मल सिटीजन इन पाकिस्तान, तो हमारे ऊपर ये चीज़ अप्लाई होगी कि हमारा जो टैक्स रेट है वो LLP जनरल पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर इट विल गो फ्रॉम 5% to 35%। दूसरी चीज होती है डिविडेंड टैक्स, जिसे कहा जाता है। डिविडेंड टैक्स जो है ये सिर्फ अप्लाई होता है प्राइवेट जो हमारी जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज हैं, वो PVT भी हो सकता है, वो एक सिंगल मेंबर कंपनी भी हो सकता है, इन दोनों के ऊपर डिविडेंड टैक्स अप्लाई होता है।
डिविडेंड क्या है? डिविडेंड ये है कि भाई आपकी कंपनी के अंदर जो भी आपने प्रॉफिट कमाया पूरे साल के अंदर, अब आप उस कंपनी के ओनर हैं, आप चाह रहे हैं कि उस प्रॉफिट को आप वहाँ से निकालें, किसी और चीज़ के ऊपर खर्च करें, वो आपका पर्सनल एक्सपेंस भी हो सकता है, वो आपकी कोई और इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, या वो इतना डिविडेंड है कि आप कह रहे हैं कि ये मैं डिविडेंड निकाल के इसे कुछ और इन्वेस्टमेंट के अंदर लगाऊंगा, ऐसा भी मुमकिन है। तो वो आप किस तरीके से उस जो आपके फंड्स एक्यूमुलेट हुए हैं उन्हें आप किस तरीके से वहां से निकालेंगे, आप डिविडेंड्स की शक्ल में निकालेंगे। अब डिविडेंड जो है उसे अलग से टैक्स किया जाता है कंपनीज में, डिविडेंड होता ही कंपनीज के अंदर है, तो वो क्या उसका टैक्स रेट है 15% है। यही वजह है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इफेक्टिवली रखा है कि कंपनीज के केस में आपका जो इनकम टैक्स रेट है वो इफेक्टिवली 40% तक चला जाता है बिकॉज ऑफ डिविडेंड टैक्स एंड बिकॉज ऑफ टैक्स रेट ऑफ द कंपनी इटसेल्फ। तो अगर आपने लेट से सालाना बेसिस पे 12 लाख कमाए, 15 लाख कमाए और आप चाह रहे हैं कि जो भी आपकी इनकम रही है उसे आप डिविडेंड के फॉर्म में कंपनी से निकाल लें, तो ऐसी सिचुएशन में आप हो सकता है कि 40% तक इफेक्टिव आप टैक्स पहले पे करेंगे जो भी आपकी इनकम है, और उसके बाद फिर बाकी जो बचता है वो आपको मिलेगा। सो अगेन ह्यूज इफेक्टिव टैक्स रेट, जो कि एक बड़ा एक हिंड्रेंस है, बड़ा एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान के कॉर्पोरेट सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए, तो ह्यूज प्रॉब्लम। यही वजह है कि बहुत से लोग जो हैं वो कंपनी स्ट्रक्चर को अवॉइड करते हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल द अदर एडवांटेजेस जो कि हमने पहले देखे थे। अब डिविडेंड टैक्स जो है ये बकिया जो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक LLP है, जनरल पार्टनरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसमें डिविडेंड टैक्स अप्लाई नहीं होता। तो इस वजह से अगेन ये इन स्ट्रक्चर्स की एक और टैक्स परस्पेक्टिव से, प्लानिंग पर्पजेज से ये एक बहुत अच्छा आपको फ़ायदा है कि जो भी आपकी इनकम होगी उसके ऊपर जो भी रेलिवेंट टैक्स रेट अप्लाई होगा 5% 10% सिर्फ वही आपने देना है, और इसके अलावा यू नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स जो कि कंपनी के केस में बहरहाल आपने करना पड़ता है। सो दिस इज द डिफरेंस, वन मेजर डिफरेंस एंड वन मेजर पुटिंग ऑफ फैक्टर आई वुड से, जिस वजह से अक्सर लोग जो है वो कंपनी से मूव अवे हो जाते हैं। और भी कुछ फैक्टर्स हैं ये भी सुन लें, ये क्या है, वन इज टर्नओवर टैक्स, अनदर इज टैक्स विदहोल्डिंग। टर्नओवर टैक्स क्या है कि भाई आपकी सेल के बेसिस पे आपको टैक्स किया जाएगा। इससे क्या मुराद है कि भाई आप कह रहे हैं कि अभी तो मैं कंपनी में लेट से अभी मैं कुछ ही साल मुझे हुए हैं स्टार्ट हुए, अभी तो मैं लॉसेस कर रहा हूँ पहला साल दूसरा साल, लेकिन आपकी ऑब्वियसली सेल है, तो ऐसी सिचुएशन में FBR कहता है कि चले आप कंपनी, अगर आपकी कंपनी आपने बनाई हुई है तो बेशक लॉसेस हो, आप अपनी सेल के ऊपर तो कम से कम हमें 1.5% दे दें। अब आप ये कहते हैं कि भाई जो लॉ का नाम है वो तो इनकम टैक्स है, आप तो मेरी इनकम को टैक्स करें, तो इस बात का जवाब जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 1.5% ऑफ योर सेल जो है वो टैक्स कर दिया जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी सेल कितनी कितनी हुई है पूरे साल में, क्या सेल्स वॉल्यूम्स रहे हैं। सो दैट इज अगेन अनदर प्रॉब्लम जो कि आपको कंपनी में फेस करना पड़ता है। अलबत्ता इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर और अ सोल प्रोप्राइटरशिप, पहले आपने करोड़ रुपए का रेवेन्यू ऑन एन एनुअल बेसिस क्रॉस करना है, फिर ये 1.5% की लिमिट आपके ऊपर अप्लाई होगी। अगर आपका स्टार्ट में लेट से अगर आपका रेवेन्यू जो है वो 1 करोड़ के अंदर अंदर है और अभी आपके प्रॉफिट्स ऐसे नहीं हुए फॉर एग्जांपल, तो आपके ऊपर ये मिनिमम टैक्स की कंडीशन अप्लाई नहीं होती। सो अगेन ये एक और फायदा है जो कि आप इन स्ट्रक्चर्स के अंदर जब काम करते हैं तो आपको मिलेगा। ऐसी एक चीज है टैक्स विदहोल्डिंग। टैक्स विदहोल्डिंग की सिग्निफिकेंस क्या है, ये थोड़ा कंप्लायंस फ्रेमवर्क की कम्प्लेक्सिटी में आ जाता है जो कि थोड़ा समझने वाली बात है। अगर आपका कोई वेंडर है, कोई सप्लायर है, कोई सप्लायर ऑफ गुड्स है, कोई आपकी सर्विसेज का वेंडर है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके ऊपर ही ऑब्लिगेशन है कि आप उनको जो भी पेमेंट करेंगे उससे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स विदहोल्ड कर लेंगे, इस वजह से उसे विदहोल्डिंग टैक्स कहा जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि जो काउंटर पार्टी आपका वेंडर है वो कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई सर्विस प्रोवाइडर है, या वो आपको गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, उस हिसाब से वो जो रेट्स हैं वो वेरी करते हैं। अब अगर आप एक कंपनी हैं या आप एक LLP है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप उनकी विदहोल्डिंग करें या ना करें। कुछ भी हो, एक छोटी सी भी पेमेंट आपने करनी है, बाय एंड लार्ज कुछ उसके अंदर एक्सेप्शन है लेकिन बाय एंड लार्ज अगर हम बात करें तो आपने उनकी विदहोल्डिंग जरूर करनी है, फिर वो पैसे आपने FBR में जमा कराने हैं 7 डेज के अंदर अंदर। सो अगेन समझें कि ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, आपने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड कीपिंग करनी पड़ती है, आपने अक्सर जो है वो कंसल्टेंट्स को एंगेज करना पड़ता है जो ये आपके बिहाफ पे ये काम करें। अलबत्ता अगर आप एक जनरल पार्टनरशिप के अंदर काम कर रहे हैं या आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर काम कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपने पहले एक रेवेन्यू थ्रेशोल्ड है 5 करोड़ रुपए का, उसे आप क्रॉस करें,
फिर आपके ऊपर ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होगी कि चले अब आप अपना जो है वो जो भी आप पेमेंट करने लगे उसमें आपने ये विदहोल्डिंग करनी है। सो वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो कंप्लायंस फ्रेमवर्क है कंपेरेटिवली लेस कॉम्प्लेक्स है, लेस कॉस्टली है। यही वजह है कि पिछली साइड में मैं कह रहा था कि कंप्लायंस फ्रेमवर्क इनका जो है ना वो लेस स्ट्रिंजेंट है, कंपेरेटिवली आसान है। एक नया बिजनेस है तो आप इसके अंदर काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स को आपने फॉलो नहीं करना। तो ये ओवरऑल एक हमने ज़रा जायज़ा लिया कि अगर आप बिज़नेस सेटअप कर रहे हैं या ऑलरेडी आप बिज़नेस कर रहे हैं और अब आप सोच रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो मॉडल है वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है, तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो टैक्स प्लानिंग परस्पेक्टिव से, जो रेगुलेटरी मॉडल्स के हवाले से आपने जहन में रखने हैं, जिसके ऊपर आपने काम करना है। कुछ स्पेशल कंसेशन हैं आईटी रिलेटेड बिजनेसेस के लिए और स्पेशली आईटी रिलेटेड स्टार्टअप्स के लिए, तो मैं चाह रहा था कि इनको भी ज़रा हम डिस्कस करें ताकि आपकी नॉलेज में हो कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं और स्पेशली अगर वो आईटी रिलेटेड है तो उसमें क्या स्पेशल कंसेशन हैं जो आपको अलाउ होंगे, जो आपको फ़वाद हासिल होंगे। तो एक तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि अगर कोई आप आईटी की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आईटी प्रोडक्ट्स हो गए या वो सॉफ्टवेयर हो गया, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज हैं वो भी एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है, टैक्स में मिल जाती है। आप हमें अगर लिखेंगे एट द एंड ऑफ दिस सेशन में अपनी जो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भी हम शेयर करेंगे, तो अगर आप हमें लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ हम शेयर भी करेंगे कि ये वो तमाम सर्विसेज हैं जो भी अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जो आपके कॉल सेंटर्स हैं वो भी आ जाते हैं, जो आपकी फॉर एग्जाम्पल आपकी ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज दे रहे हैं, अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहे हैं, जो कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं प्रोवाइडेड, तो ऐसी सिचुएशन में वो तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि भाई जो भी आपकी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं उसका कम से कम 80% 80% आप पाकिस्तान में बैंक में रिसीव कर रहे हैं, तो वो पूरी की पूरी आपकी जो एक्सपोर्ट की इनकम है वो एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको अवेलेबल है, आप कोई सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं, आप उसकी एक्सपोर्ट करें, जो भी आपको फॉरेन रेमिटेंस मिलेगा उसके अगेंस्ट पाकिस्तान में आप रिसीव करें, अपने बैंक में रिसीव करें, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जीरो टैक्स इंसिडेंस। बहुत ही ये एक बेनिफिशियल एक प्रोविजन है, बहुत से लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान की जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, अगर एक ऑल्दो इट इज़ ए नैसेंट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, बहुत ज़्यादा इसके अंदर अभी कैपेसिटी नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एक बहुत अच्छा एक बूस्टिंग फैक्टर है, जिसे इस्तेमाल करते हुए आप अपने बिजनेस को अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या बेनिफिट अवेलेबल है, दूसरा ये बेनिफिट है कि स्टार्टअप्स को पहली दफ़ा 2-3 साल पहले जो है वो लॉ में जो टैक्स लॉज हैं उनमें रिकग्नाइज किया गया, इससे पहले नहीं किया गया था। तो ये बेनिफिट किसको अवेलेबल है और क्या बेनिफिट है, आइए इसे ज़रा समझते हैं। सबसे पहले भाई ये कहते हैं कि भाई ये इनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो July 1, 2012 के बाद की होनी चाहिए। अगर इसे पुराने हैं तो अब हम कहेंगे कि ये स्टार्टअप नहीं है, अब ये एस्टैब्लिश बिजनेस हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो ये कि इसकी आपने जो रजिस्ट्रेशन इसकी कराई हो स्पेशली विद FDR, वो आपने कराई हो 1 जुलाई 2012 के बाद। फिर ये है कि आपके जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होने चाहिए और आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए विद पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, इनके साथ आपने रजिस्ट्रेशन करानी है। फिर ये भी कहते हैं कि पिछले क्यूमुलेटिव 5 साल हम देखेंगे और उसमें किसी भी साल आपका जो रेवेन्यू है, जो आपकी सेल्स हैं, वो 10 करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये तमाम कंडीशंस को मीट करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में 3 सालों तक गोइंग फॉरवर्ड आपकी जो भी इनकम है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, फिर वो कितनी भी हो। अब ये सोचने वाली बात है कि 10 करोड़ की सेल के अंदर अगर आपने रहना है तो वो आपकी इनकम इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती। सो मे बी इफ़ यू हैव 50% मार्जिन, 70% मार्जिन भी है जो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी है, अगर है तो माई कंग्रेचुलेशन टू यू। अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर 3 सालों तक आपकी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी, आप ये टैक्स हॉलीडे इंजॉय करें, अपने बिजनेस को बहुत आप बिल्टअप करें, स्ट्रेंथ दें से, जो भी आपकी प्रॉफिट्स हैं उन्हें आप री इन्वेस्ट करें, ताकि उसके बाद फिर बहुत अच्छे से आप एक स्ट्रॉन्ग होकर मर्ज करें और आपका ये बिजनेस जो है वो डेकेड तक चलता रहे। तो ये एक स्टार्टअप को फैसिलिटेट करने के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है, जिसके ये जो चंद फैक्टर्स हैं ये आपने जहन में रखने हैं। ये तो होगी स्टार्टअप्स की फैसिलिटेशन। और क्या कहते हैं, और एक और हमारे जो टैक्स लॉज हैं उनकी मेहरबानी ये कि उन्होंने ना सिर्फ जनरली स्टार्टअप्स को रिकग्नाइज किया, बल्कि उन्होंने ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, दराज है, होम शॉपिंग है, ये वो है, टेलीमार्ट है, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जो हैं उन्हें भी रिकग्नाइज किया। उनके बारे में उन्होंने ये कहा कि अगर आप इस किस्म का कोई प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं, कोई आप जो है वो इस किस्म का फैसिलिटेशन जहाँ पे आप ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करते हैं और आप एक कमीशन अर्न करते हैं,
ऐसी सिचुएशन में सबसे पहला तो हम आपको फायदा ये दे रहे हैं कि भाई ये जो टर्नओवर टैक्स में पहले डिस्कस कर रहा था 1.5% इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी इनकम क्या है, सो आपने 1.5% तो आपने ऑन योर सेल देना ही देना है, तो वो उन्होंने कम कर दिया, उन्होंने कह दिया 0.75 देंगे, 1.5% नहीं देंगे। चले जी, थैंक यू सो मच, ये एक आपने बेनिफिट दे दिया। ना सिर्फ ये, उन्होंने ये भी कहा कि भाई अब आप हमें ये मत बताइएगा कि टोटल आपकी सेल क्या है, टोटल कमीशन क्या है, क्या मामला है, बल्कि आप अपना जो 5% ऑन जो आप कमीशन अर्न कर रहे हैं ना, इसका 5% आप हमें दे दें एंड वी एंड यू आर गुड टू गो, उससे ज़्यादा हम आपसे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। तो ये अगेन एक और स्पेशल कंसेशन है जो कि स्टार्टअप्स के लिए, जो कि IT इनेबल्ड एंड IT बेस्ड बिजनेसेस के लिए टैक्स में हमें मिलता है। हमारी तरफ से जो इन मॉडल्स के ऊपर डिस्कशन था, जो स्पेसिफिक फीचर्स थे, सेलिंग फीचर्स थे, उन पे काफ़ी हद तक एक आज डिस्कशन रहा है। आई होप ये डिस्कशन आपके लिए हेल्पफुल रहा। और भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी मैं क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जाऊंगा और आपके जो क्वेश्चंस आपने अपने कमेंट्स में पोस्ट किए हैं उन्हें मैं गो थ्रू करके वन बाय वन आई ट्राई कि मैं तमाम क्वेश्चंस का जवाब दूं। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चंस मिस हो जाते हैं या आप चाह रहे हैं कि और फर्दर डिटेल्ड हम कोई सेशन करें या और फर्दर डिटेल्ड आप चाह रहे हैं कि कुछ डिस्कशन हो, क्योंकि देखिए जो बिजनेस होता है ना उसकी कई नीड्स होती हैं, राइट। सो वो आपके टैक्स, बिकॉज आज का जो हमारा सेशन है इट इज़ मोर फोकस्ड ऑन टैक्सेशन, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे हो सकते हैं आपकी रिलेटेड क्यूरीज हों, हो सकता है कॉर्पोरेट एडवाइजरी रिलेटेड, SCCP रिलेटेड आपके कुछ मैटर्स हों, हो सकता है जो डिफरेंट रजिस्ट्रेशन बॉडीज हों, लेट्स से जो पाकिस्तान के जो इन्वेस्टमेंट वाले से, बिजनेस प्लान्स के हवाले से, फाइनेंशियल फीजिबिलिटीज़ के हवाले से, या बाज़ुकात जो है वो बहुत कुछ अप एंड रनिंग स्टार्टअप्स होते हैं, दे वांट टू सेट अप देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इस किस्म की, सो इस किस्म की क्यूरीज जो है इस हवाले से आप चाह रहे हो कि भाई किस तरीके से सिस्टम्स बनाए जाते हैं, किस तरीके से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं, सो लॉट ऑफ, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है आपकी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटीग्रल है। सो इस हवाले से अगर आप चाह रहे हैं कि कुछ सेशन हो, कुछ और फर्दर क्वेश्चंस एंड आंसर्स हो, सो डू राइट टू अस ऑन दिस ईमेल या इस हमारा जो व्हाट्सएप नंबर, इस पर रीच आउट टू अस एंड विल ट्राई कि हम इस किस्म के और फर्दर इन्फॉर्मेटिव सेशंस जो हैं इन सारी चीज़ों के हवाले से भी आपके साथ करें इंशाल्लाह। तो आए अब हम जरा स्पेसिफिक जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो हम जरा कमेंस करते हैं और हम क्वेश्चंस की तरफ मूव होते हैं। अच्छा, सो जो पहला क्वेश्चन है जो इन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन लिखा है वो उससे कम्प्लीटली क्लियर नहीं हो पा रहा, लेकिन मुझे जो समझ आ रहा है, जो ये पूछना चाह रहे हैं वो ये है कि एक जो वेस्टिंग एक्विटी बेसिकली जो फॉर एग्जांपल, सो एज यू प्रोवाइड योर सर्विसेज, जैसे जैसे आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, सो या फॉर एग्जांपल कुछ आपके पास पार्टनर्स हैं, वो आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग डिफरेंट थिंग्स, तो ऐसा क्या कोई तरीका है कि जिसके थ्रू इक्विटी उनमें जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेस्ट हो जाए, और क्या ये प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज के अंदर इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है? तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, इनफैक्ट ये जो शेयर्स का वेस्ट होना जो है ये इस चीज़ की पॉसिबिलिटी सिर्फ इन स्ट्रक्चर्स के अंदर ही है, और बिल्कुल हमारे पास लॉ में प्रोविजंस हैं, बट अगेन दीज आर कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस ऑफ कॉर्पोरेट एडवाइजरी एंड कंसल्टिंग, इनका हम बहुत ज़्यादा तस्करा यहाँ पे नहीं कर सकते। सो इफ़ यू हैव एनी और फर्दर डिटेल क्वेश्चंस टू डू राइट टू अस, और इसमें फिर इंशाल्लाह हम और फर्दर एक डिटेल सेशन करेंगे। जी, व्हाट आर द टैक्स परसेंटेजेस फॉर IT कंपनीज? जो मैं परसेंटेजेस आपके साथ मैंने डिस्कस की हैं अभी थोड़ी देर पहले, सो वो जनरली तमाम कंपनीज के ऊपर अप्लाई होती हैं, स्मॉल मेंबर कंपनी, लार्ज साइज कंपनी, और फिर जहाँ पे हम IT की बात करते हैं तो फिर अगेन जो आखिरी दो स्लाइड्स में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि एक्सपोर्ट के केस में आपको एग्जेम्पशन होगा प्रोवाइडेड आप कुछ कंडीशंस मीट करें, या एक IT रिलेटेड स्टार्टअप है तो वो 3 सालों का टैक्स हॉलीडे, कम्प्लीट 100% टैक्स हॉलीडे जो है वो इन्जॉय कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को आपने देखना है कि क्या आप उन फैक्टर्स को मीट कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो वो ऑल ऑफ दोज बेनिफिट्स आर अवेलेबल टू यू। अच्छा, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एंड इन माय डिस्कशंस, इन माय कंसल्टेशंस विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट अपकमिंग स्टार्टअप्स या इवन एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस, स्पेशली ऐसे लोग जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काम करते हैं, मीनिंग के उनके जो एंटरप्रेन्योरशिप सॉल्यूशंस हैं, आइडियाज़ हैं, दे साइमल्टेनियसली ट्राई टू
resolve any social issue in addition to having a viable business model. ये खूबसूरती है social entrepreneurship की. तो बड़ा इनका pertinent question ये है कि क्या हम ऐसा कोई structure बना सकते हैं, कोई ऐसी company setup कर सकते हैं जिसमें हम social entrepreneurship भी करें, जिसमें हम grants वगैरह भी लें और हम उसके अंदर revenue generation भी करें. अब इसमें प्रॉब्लम ये है, सो इट इज़ बेस्ट कि आप मिक्स ना करें इन दो चीज़ों को. इसकी वजह क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. देखिए जब आप ग्रांट वगैरह लेते हैं तो ग्रांट आप आई डोंट नो ऑफ एनी ग्रांटर या कोई ऐसी कोई इंटरनेशनल एजेंसी जो कि आपको जो कि एक फॉर प्रॉफिट एंटिटी को ग्रांट दे. तो आपको हमेशा ग्रांट लेने में या इस किस्म का कोई काम करने में बहुत प्रॉब्लम होगा. तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अमूमन ग्रांट दी नहीं जाती. तो इस वजह से ज़रूरी है कि जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी पूरी जो आप रजिस्ट्रेशन रख रहे हैं, जो तमाम मामला थे, वो आप हमेशा अलग रखें और एक फॉर प्रॉफिट, और वो नॉट फॉर प्रॉफिट होनी चाहिए. क्योंकि अगेन अगर आपने ग्रांट लेनी है, आपने दूसरी एक्टिविटीज़ करनी है, तो उस इदारे का नॉट फॉर प्रॉफिट होना ज़रूरी है. और आप एक अपना फॉर प्रॉफिट इदारा अलग रखें और फिर आप इन दोनों की ट्रांजेक्शन भी करा सकते हैं. अब ये एक बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है. अगेन आई वुड से इस पर एक डिटेल सेशन होना चाहिए जो कि सोशल एंटरप्रेन्योर्स और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के स्ट्रक्चर्स और जो नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज़ के स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या होते हैं, क्या रजिस्ट्रेशन होती हैं, क्या कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इस पर आई थिंक एक और सेशन होना चाहिए. बट डू रीच आउट टू अस एंड डू राइट टू अस इफ़ यू वॉन्ट अस टू डू अनदर सेशन ऑन दैट. और हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम वो एक सेशन करें. लेकिन बट टू समराइज एंड टू आंसर योर क्वेश्चन, इन दोनों को आप अलग रखें ताकि इनकी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, ताकि आपकी रिकॉर्डिंग भी अलग हो, अकाउंटिंग भी अलग हो, ये मामला जो है ताकि अलग से आपके चले. और आपको फिर ग्रांट्स भी ऐसी सिचुएशन में आसानी से तभी मिलेंगे जब आप इन दो स्ट्रक्चर्स को अलग रखें. सो आई होप आई बीन एबल टू सर. इनका पर एक सवाल और भी था कि रिसर्च थिंक टैंक्स जो है वो किस कैटेगरी में जो है रजिस्टर हो सकते हैं, तो उसका भी वो सवाल मलिहा का ही था. और एक चीज और अगर आप इसमें बता दें कि प्रोबेबली सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है तो क्या वो सेक्शन 42 कंपनी के अंडर रजिस्टर हो सकता है, तो वो भी क्लैरिटी अगर इनको मिल जाए. क्योंकि ये जो है आज कल इसी पे काम हो रहा है कि वो नॉट फॉर प्रॉफिट में जाते हैं, तो फिर अगर उनका चैलेंज ये होता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट रजिस्टर तो हो जाता है लेकिन फिर वो कोई फॉर प्रॉफिट काम नहीं कर सकते. पर ये क्वेश्चन भी है इनका रिसर्च थिंक टैंक वाला भी पर उन्होंने पूछा है. अच्छा, इन आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या रिसर्च थिंक टैंक जो है वो किस कैटेगरी में होगा, तो वो आप इनमें से किसी भी कैटेगरी के अंदर, क्योंकि देखें जो लीगल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ये लिमिटेशन नहीं है कि आप उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या फॉर्म ऑफ बिजनेस, यानी आपका जो बिजनेस है या आपकी जो एक्टिविटी है उसकी मेन एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट क्या होंगे, ये लिमिटेशन कहीं भी नहीं है. सो एक आपका कोई बिजनेस एक्टिविटी है, सो रिसर्च थिंक टैंक अगर आप इसे फॉर प्रॉफिट की शक्ल में रन करना चाह रहे हैं तो इनमें से किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर आप रजिस्टर हो सकते हैं. बट अगर आप उसे एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट रन कर रहे हैं, एंड देन दिस लीड जस्ट टू योर सेकंड क्वेश्चन इज वेल कि क्या ऐसी कोई कंपनी को या सोशल एंटरप्रेन्योरशिप स्ट्रक्चर्स को हम सेक्शन 42 कंपनी बना दें, तो बिल्कुल आप बना सकते हैं. नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज के भी फिर कई तरीके हैं रजिस्टर करने के. इसमें SECP, सो मैं क्विकली लिस्ट डाउन कर लेता हूँ, बट अगेन एज आई सेड that will need us to have that will need ki bhai hum ek comprehensive uske upar session kare. But aap SECP mein, securities and exchange commission of pakistan mein, aap ek not for profit idare ko register kar sakte hain. Jaise abhi inhone kaha section 42, to section 42 ye law ka ek special provision hai jisme not for profit entities agar aap SECP ke sath register karate hain to wo wahan pe register hoti hai. Prominently iske andar kaun se idare hain, so I think Indus Hospital is a Section 42 company. अगर मैं गलत नहीं हूँ तो Citizens Foundation भी Section 42 है, और ऐसे ही हबीब यूनिवर्सिटी फॉर एग्जाम्पल वो एक Section 42 कंपनी है. तो ना जो हबीब फाउंडेशन है, आई थिंक दैट इज अ Section 42 कंपनी. तो इस तरीके से सो यू हैव दीज डिफरेंट क्रेडिबल एंटिटीज, बड़ा जो है वो जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का काम कर रहे हैं या जो है वो प्योरली नॉट फॉर प्रॉफिट बेसिस पे काम कर रहे हैं, उन्हें आप बड़ी आसानी से, और अगर आप अपना रिसर्च थिंक टैंक भी उसी मॉडल पर चलाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल उसे SECP में रजिस्टर करा सकते हैं एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी. इट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन कि एक दफ़ा आपने इस इदारे को रजिस्टर करा दिया एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट, तो आप अब इसमें से प्रॉफिट जनरेटिंग एक्टिविटीज नहीं कर सकते. दिस वॉज अगेन अनदर रीजन जिस वजह से मैं कह रहा था कि आप इन दो इदारों को अलग से रजिस्टर करें, इनकी रजिस्ट्रेशन अलग होनी चाहिए. दूसरे कौन से मॉडल्स होते हैं, ट्रस्ट होता है, सोसाइटी होती है. पंजाब में रिसेंटली एक और एक्ट अभी आया है
जो कि इन इदारों को रेगुलेट करेगा. सो अगेन यू हैव अ नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट मॉडल्स जिसके अंदर वो आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के स्ट्रक्चर्स को रजिस्टर कर सकते हैं, ईच विद इट्स ओन डिस्टिंक्टिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. सो होप आई हैव बीन एबल टू आंसर योर क्वेश्चन. बकिया जो क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं क्विकली टेक ऑन करूंगा, वी आर बिकॉज़ वी आर रनिंग अ लिटिल शॉर्ट ऑफ टाइम. जी सो इन्हीं का रिलेटेड क्वेश्चन जो था कि अगर हम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप सेटअप करते हैं, क्या हम प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं नहीं कर सकते. तो एज आई सेड इन दोनों को आप मिक्स नहीं कर सकते. अगर आपने एक नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी सेटअप की है तो उसमें आप प्रॉफिट रिलेटेड एक्टिविटीज नहीं कर सकते. वहाँ से आप डिविडेंड नहीं ले सकते, वहाँ से आप प्रॉफिट विड्रॉ नहीं कर सकते. इनफैक्ट ऐसे किसी इदारे को रन करने के लिए आपको ट्रस्टीज चाहिए और जो कि कोई क्रेडिट कोई रेप्यूटेबल पर्सनैलिटीज होंगी. स्पेशली अगर आप सेक्शन 42 कंपनी बनाने जाते हैं तो वहाँ पे आपने बताना होगा कि भाई ये जो हमारे ट्रस्टीज होंगे और इसके डायरेक्टर्स स्लैश ट्रस्टीज होंगे, इनका इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर क्या एक्सपीरियंस है, कितने सालों का एक्सपीरियंस है, क्यों ये काम करना चाह रहे हैं. क्योंकि समझें इन इदारों के अंदर आप डोनेशन ले सकते हैं एंड द गवर्नमेंट वॉन्ट्स कि भाई ये डोनेशन सिर्फ जो रेप्यूटेबल लोग हैं उन्हें ही मिले ताकि वो जेन्युइनली काम भी करें. सो इट हैज इट्स ओन पिटफॉल्स. इस वजह से जरा कॉम्प्लिकेटेड जो है ना रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैव नाउ रिसेंटली बीन पुट इन प्लेस. अच्छा जी ये है कि क्या टैक्स एग्जेम्पशन स्टिल अवेलेबल फॉर पीएससीबी रजिस्टर्ड एंटिटीज. बिल्कुल इट इज अवेलेबल प्रोवाइडेड ये बकिया जो मैं आपको स्टार्टअप के हवाले से रिक्वायरमेंट्स बता रहा था वो आप मीट करें. अच्छा जी और हमारे पास क्वेश्चंस हैं. जी इनका भी यही एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक हमारे पास एक वी हैव टॉय स्टोर एंड वी हैव लर्निंग सिस्टम फोकसिंग ऑन क्लाइमेट एजुकेशन विच इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट लर्निंग सिस्टम. तो क्या हम दोनों को स्प्लिट कर दें, क्योंकि उन दोनों के एक तो ऑब्जेक्ट्स भी डिफरेंट हैं, बिजनेस नेचर भी डिफरेंट है और एक जो है वो फॉर प्रॉफिट है, दूसरा नॉट फॉर प्रॉफिट है. तो बिल्कुल जैसे मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर रहा था, इट्स बेस्ट कि आप इन दोनों को, बिकॉज इन माय प्रैक्टिस आई हैव कम अक्रॉस लॉट ऑफ सिमिलर एंटिटीज. मैं अक्सर ही इस मैटर के ऊपर जो है वो हमारे बहुत ही अक्सर जो रिप्यूटेड क्लाइंट्स हैं उन्हें एडवाइस करता हूँ. तो मैं उन्हें यही हमेशा समझाता हूँ कि भाई ये दोनों, क्योंकि समझे यू कैन नॉट ऑयल एंड वाटर का जो है ना वो मिक्सिंग नहीं होना चाहिए. सो एक फॉर प्रॉफिट है, नॉट फॉर प्रॉफिट है और अगेन बिकॉज नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज के अपने ही बड़े डायनामिक्स हैं एंड देन पाकिस्तान में उसका जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा सख्त किया जा रहा है बिकॉज ऑफ FATF रेगुलेशंस, AML एंड काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग रेगुलेशंस वगैरह. तो इस वजह से ज़रूरी है कि आप इन एक्टिविटीज को बिल्कुल सेपरेट रखें ताकि इन एनी इवेंचुअलिटी आपकी एक जो एक्टिविटी है वो दूसरे को रिस्क पे ना लाए और वो आपकी एटलीस्ट दूसरी एक्टिविटी जो है वो चलती रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो. अच्छा जी सो अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. दे से दैट वी आर अ फ्रीलांस मार्केटप्लेस और हमारा जो काम है वो सर्विस प्रोवाइडर्स को हम कंज्यूमर्स के साथ कनेक्ट करते हैं. सो क्या हमारे ऊपर सेल्स टैक्स अप्लाई होगा बिकॉज वी आर नॉट सेलिंग एनीथिंग. दिस क्वेश्चन जो है मेरी पूरी कोशिश थी कि हम इस टाइम के अंदर हम स्लाइड्स कुछ कवर करें बिकॉज सेल्स टैक्स इज अगेन अनदर इंपॉर्टेंट एरिया जो आपकी जिस हवाले से नॉलेज होना ज़रूरी है. तो इसी सवाल की तमीद बांधते हुए मैं क्विकली ज़रा चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखिए सेल्स जब हम कहते हैं ना तो अक्सर अक्सर बेशतर लोगों के जहन में आता है कि जब सेल की बात हो रही है तो हम सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे कह रहे हैं ना कि हम तो हम एक एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, हम सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं जिसमें हम दो लोगों को कनेक्ट करा रहे हैं. लेकिन आप सोचें कि जो दराज का मॉडल है या सिमिलर जो प्लेटफॉर्म्स का मॉडल है वो भी यही है, वो भी लोगों को कनेक्ट कराते हैं, वेंडर्स को सेलर से कनेक्ट कराते हैं. तो वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली एक सर्विस है. अब जब सर्विस आ जाती है ना तो उसके ऊपर भी एक सेल्स टैक्स अप्लाई होता है. जैसे आप यहाँ पे एक सर्विस दे रहे हैं तो आपके ऊपर सर्विसेज सेल्स टैक्स अप्लाई होगा. जैसे सिंध में द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज इज SRB सिंध रेवेन्यू बोर्ड, जिसका इफेक्टिव जो नॉर्मल टैक्स रेट है दैट इज 13%. तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि भाई अगर एंड उनका बड़ा एक कॉम्प्रीहेंसिव स्केड्यूल है, सेकेंड स्केड्यूल जिसे वो कहा जाता है लॉ के अंदर. तो लॉ ये है, कानून ये है कि अगर आप
उस सेकंड स्केड्यूल में से दी हुई कोई भी आप सर्विस दे रहे हैं, अब वो कैब एग्रीगेटर सर्विस जैसे मैं आपको बताऊं पहले नहीं होती थी, तो उनको रियलाइज हुआ कि भाई ये करीम ऊबर तो ये मिलियंस एंड बिलियंस कमा रहे हैं अपेरेंटली, तो ये हमें टैक्स भी नहीं दे रहे, तो उन्होंने एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस कर दी कैब एग्रीगेटर सर्विस, जिसमें बाइकिया करीम ऑल ऑफ दीज जिसमें सो ऑल ऑफ दीज सर्विसेज केम इनटू प्ले, कि भाई अब ये लोग भी अपनी जो एग्रीगेशन फी है उसके ऊपर सेल्स टैक्स पे करेंगे। सो प्रैक्टिकली तो वो सर्विस है, वो भी दे आर नॉट सेलिंग एनीथिंग बट दे आर सेलिंग देयर सर्विसेज, राइट। तो इस वजह से उनके ऊपर सिंध में सेल्स टैक्स अप्लाई होना स्टार्ट हो गया, सिंध में SRV है, पंजाब में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, एंड सिमिलरली केपी केपीके में एंड बलूचिस्तान में देयर सेपरेट प्रोविंशियल बोर्ड्स। तो इन आंसर टू योर क्वेश्चन, बिल्कुल आपके ऊपर अप्लाई होगा, अलबत्त वो एक सर्विसेज सेल्स टैक्स अप्लाई होगा जिसका इफेक्टिव टैक्स रेट सिंध में 13% है, विच इज गवर्न बाय सिंध रेवेन्यू बोर्ड। सो आई होप आई हैव बीन एबल टू आंसर योर क्वेश्चन सेटिस्फैक्टरीली। अच्छा जी, ये कहते हैं कि डू वी हैव अ कंप्लायंस चेकलिस्ट फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, ताकि हम देख सकें कि भाई हम कंप्लायंट हैं या नहीं है। आई वुड वेरी स्ट्रांगली से कि अगर आप एक बर्डिंग ऑन्टरप्रनोर हैं या एस्टैब्लिश ऑन्टरप्रनोर हैं, इन एनी इवेंचुअलिटी डू नॉट गो इनटू दैट मच डिटेल एज फार एज द कंप्लायंस फ्रेमवर्क इज कंसर्न। आप बिजनेस के ऊपर फोकस करें, और इन चीज़ों के लिए इट्स बेस्ट कि आप प्रोफेशनल्स को ये चीज़ हैंडल करने दें। सो दीज कैन बी योर इन हाउस फाइनेंस प्रोफेशनल्स, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट हो सकता है, या एक्सटर्नल फर्म्स हो सकती हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट कंसल्टेंट्स हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स हो सकती हैं, लेकिन बट इट्स बेस्ट दैट यू फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर सेल्स एंड बिजनेस, और जिसका जो काम है सो करने दें, ज़्यादा बेहतर होगा। जी, इनका ये सवाल है कि अर्ली स्टेज स्टार्टअप के लिए बेटर स्ट्रक्चर कौन सा है। बेटर जो है ना, इसका सबसे अच्छा जवाब आप ही दे सकते हैं। द रीज़न बीइंग कि आई डोंट नो एग्जैक्टली कि आपके अपने स्टार्टअप के लिए क्या प्लान्स हैं, फॉर एग्जांपल फंडिंग के हवाले से, और उसके बिजनेस मॉडल, उसके जो आपका जो बिजनेस मॉडल है, फॉर एग्जांपल आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, इज इट सर्विस बेस्ड, इज इट प्रोडक्ट बेस्ड, आपको स्टार्ट में कितनी फंडिंग चाहिए होगी, क्या राइट अवे ही आप इन्वेस्टर्स ले आएंगे। सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स, तो इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल हो सकता है, नंबर वन। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस आइडिया की वाइबिलिटी के लिए अभी इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, अभी आप देखना चाह रहे हैं, एक होता है ना प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हम दे दें कि भाई देखें ये हम छोटा सा हमने एक चलाया छोटे लेवल पे, अब इट इज़ सूट, इट इज़ वाइबल, इसकी बहुत एक ब्रॉड हमें मार्केट भी मिल सकती है, अभी आपने एक पिच करना है टू इन्वेस्टर, तो ऐसी सिचुएशन में स्टार्ट में यू कैन गो फॉर अ पार्टनरशिप और अ सोल प्रोप्राइटरशिप, एंड सब्सिक्वेंटली यू कैन मूव टू अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। तो सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। अगेन आई वुड से इस किस्म की जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, डू रीच आउट टू अस एंड विल बी श्योर टू गेट बैक टू यू सून। अच्छा जी, वेयर कैन वी गेट अ लिस्ट ऑफ रेगुलेशंस एंड कंप्लायंसेस फॉर ऑनलाइन एजुकेशन टेक्नोलॉजी एडटेक प्लेटफॉर्म। इसका आसान तरीका कोई भी नहीं है। सो या तो आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च करनी पड़ेगी, और डू गेट इन टच विद अस ऑन दिस ईमेल, तो फिर विल गेट बैक टू सून इंशाल्लाह। लेकिन बहरहाल प्राइमरली जो इसके ऊपर रेगुलेशंस कंप्लायंसेस कौन कौन सी अप्लाई होती हैं, सो आई कैन लिस्ट डाउन अ लिटनी ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस, कंपनीज एक्ट है, उसके रेलिवेंट रूल्स हैं, प्रोवाइडेड अगेन इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू आर थिंकिंग ऑफ, क्योंकि एड टेक प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें नहीं अप्लाई होती, डिपेंड करता है कि आप कंपनी सेटअप कर रहे हैं या आप नॉन इनकॉर्पोरेटेड अन इनकॉर्पोरेटेड स्ट्रक्चर के अंदर काम कर रहे हैं। इन एनी केस टैक्स लॉस उसके ऊपर अप्लाई होंगे ही होंगे। ठीक है जी, सो यहाँ तक तकरीबन हमारे क्वेश्चन जो हैं वो एड्रेस हो गए हैं, बट इफ इफ आई लेफ्ट आउट एनी, और अगर आपको लगा कि कोई हमारा क्वेश्चन जो है वो सेटिस्फैक्टरीली हम कवर नहीं कर पाए, या आप चाहते हैं कि हम किसी एसोसिएटेड टॉपिक के ऊपर और कोई कॉम्प्रिहेंसिव सेशन करें, तो डू राइट टू अस, डू राइट टू NIC, एंड ज़रूर हम जो है उसके ऊपर एक और फर्दर कॉम्प्रिहेंसिव सेशन करेंगे। दिस वॉज इट फ्रॉम मी फ्रॉम आर एंड टू द डॉक्टर साहब, थैंक यू सो एक मच। सवाल रह गया, हम नहीं जाने देना चाह रहे आपको, वो यहीं पे लिखा था सरताज ने लिखा था कि उनको एक क्लैरिटी चाहिए, तो जो 40% टैक्स रेट जो आपने लिखा है, तो उसके अंदर वो जो डिविडेंड टैक्स और टर्नओवर टैक्स है वो शामिल है या नहीं है, वो आपने वैसे डिफाइन तो किया था लेकिन वो उन्होंने दोबारा पूछा था, जी, फोर्टी तो जब मैं इफेक्टिव 40% कह रहा हूँ तो वो इंक्लूडेड है उसके अंदर। असल में दोनों की बेसिस डिफरेंट है। सो टर्नओवर जो है वो सेल्स के ऊपर होता है, जो 29% है वो कंपनी की इनकम के ऊपर होता है,
और जो 15% है वो फिर डिविडेंड के ऊपर होता है। तो बिकॉज सबकी बेसिस डिफरेंट है, तो हम अगर एक रफ कैलकुलेशन करें तो इफेक्टिव ये जो रेट है वो अगेन डिपेंड्स ऑन के नंबर्स क्या हैं, अल्टीमेटली सेल का क्या नंबर है, डिविडेंड का क्या नंबर है, बट इफेक्टिवली ये 40-45% भी हो सकता है, 35% भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल यू हैव द रफ रेंज जिसके अंदर इफेक्टिव टैक्स रेट फॉल करेगा। सो आई होप ये क्लियर हो गया है, बट अगेन इफ देयर आर एनी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस डू लेट अस नो। सो थैंक्स अ लॉट सर। और हमारा जो टाइम डेजिग्नेटेड था हम थोड़ा सा लेट शुरू हुए थे, कुछ टेक्निकल एरर्स आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने उसको एक्सटेंडेड उस पर चलाया। हमारे पास कुछ 10-15 क्वेश्चन आए थे, वो सारे आपने एड्रेस किए, कुछ बीच में वैसे भी आपकी प्रेजेंटेशन भी कवर हो गए थे, तो क्लैरिटी काफी हमें भी मिल गई है। और ये वही है जो एक लोगों को परेशानी हो रही होती तो काफी चीजें बेहतर होगी। हमें जो फीडबैक मिलेगा यहाँ से, हम जो स्टार्टर से फीडबैक लेंगे उसकी बेस में फिर मजीद टॉपिक से बात कर सकते हैं। जो एक आज एक टॉपिक इमर्ज हुआ कि जो एक ब्लेंडेड जो वो बन रहा है कि सिविल सोसाइटी है और बिजनेसेस के बीच में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या वैसे सोशल एंटरप्रेन्योर कैसे काम कर सकते हैं। तो लॉज जैसे आपने कहा कि उनके लिए भी लॉज एस्टेब्लिश हो रहे हैं स्टार्टअप के लिए कि पोस्ट 2012 उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, तो फिर इसके अलावा जो नए वेंचर्स हैं, जो सोशल एंटरप्रेन्योर वेंचर्स हैं, उनके लिए क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो इंशाल्लाह फिर हम आपको दोबारा नए टॉपिक के साथ जो है बुलाना चाहेंगे। और आप जैसे आपने बताया कि नंबर और ईमेल एड्रेस आपने प्रोवाइड किया, तो जो आपसे फिर मजीद इस पे कंसल्ट करना चाहते हैं आपसे रब्ता कर सकते। सो थैंक्स अ लॉट सर, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने टाइम में से हमारे लिए सेकंड के लिए टाइम निकाला। सो वंस अगेन थैंक यू जी, इट वाज माय ग्रेट प्लेजर, थैंक यू सो मच।